हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, हैव अ नाइस डे। इस रीडिंग में चेक करेंगे अगले कुछ घंटे आपका आपके पर्सन के साथ कैसा रहने वाला है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एक्शंस, इमोशंस क्या होगा आपके लिए। अगले कुछ घंटों में आपको उनकी तरफ से क्या एक्शन देखने को मिल सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है होने का चेक करते हैं। आप सब कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे गाइस और हैप्पी होंगे आप। तो चलिए फोकस अपने पर्सन पर बना कर रखिए, टाइमलेस रीडिंग है। ओके, मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती और सभी जोड़ियक साइंस वालों के लिए होता है। तो क्या है आपकी पर्सन की फीलिंग्स अगले कुछ घंटों में, क्या फील करेंगे आपके पर्सन? आपके पर्सन की फीलिंग्स अगले कुछ घंटों में क्या होगा आपके लिए, क्या सोचेंगे ये पर्सन आपके बारे में, इनका थॉट्स क्या होगा? फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, मैं आपको बता दूं, ये पर्सन आपसे दूर जाकर, आपसे मूव ऑन करके या आपसे डिटैच खुद को रख कर स्टक है। ठीक है, स्टक आप पर ही हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन कहीं आगे बढ़े हैं, और अगर बढ़े भी हैं, इस पर्सन के लाइफ में कोई और है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आई थिंक इस पर्सन को लगा था कि थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई फ्यूचर है। ये पर्सन सबके साथ जस्टिस कर रहे हैं, या ये पर्सन सेल्फिश हो गया, सेल्फिश डिसीजन इस पर्सन ने लिया, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इनको लगा कि वहाँ पर प्यार होगा, मोहब्बत होगा, सारी खुशियाँ होगी। और आई थिंक गाइस, अब किस्मत कुछ ऐसा खेल खेल रही है, आपके साथ जस्टिस कर रही है किस्मत। ठीक है, आपकी पर्सन के लाइफ में किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, किसी तरह का इशू चल रहा है, जिससे ये पर्सन आपको याद करने लगे हैं। ठीक है, आपके बारे में और भी ज़्यादा मिस करने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपको भूल गए थे, नहीं, ऐसा नहीं है, पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मुझे कर्मा मिल रहा है जो मैंने उसके साथ गलत किया था। आई थिंक वही आज मैं भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है मेरे लाइफ में, इसी वजह से आया है। अगर इस पर्सन को फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, फिर भी ये पर्सन खुद को ही दोष दे रहे हैं कि मैंने उसके साथ इनजस्टिस किया है, मैंने उसके साथ उसका उसका मैंने दिल तोड़ा है, उसको हर्ट पहुंचाया है, उसको उसके साथ चीट किया है, मैंने अपना वादा नहीं निभा पाया उसके साथ या नहीं निभाई। आई थिंक इसी वजह से आज मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ अपनी लाइफ से। सब कुछ है मेरे लाइफ में, एक पार्टनर है या सब कुछ तो सही है, तो फिर मैं क्यों सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं क्यों खुश नहीं हूँ? या आपके पर्सन की एनर्जी देख पा रही हूँ अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो? ओके, और अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो ये पर्सन स्टक है और आपकी ओर ही मुड़ने के लिए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपकी ओर ही मुझे आने के लिए दिखाई दे रहे हैं, आपको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए सोच रहे हैं, यानी कि वापस से पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं। ये इस पर्सन की फीलिंग्स हैं, क्योंकि आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। ये पर्सन आपके बारे में सोचना बंद नहीं किया है, आपको फील करना नहीं बंद किया है, और अगले कुछ घंटों में ये पर्सन फील करेंगे। ओके, ये पर्सन फील करेंगे कि जब से ये जो कनेक्शन एंड हुआ है या आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है ना, इस पर्सन के लाइफ में कुछ भी तो सही नहीं हो रहा है यार। ना ही ये पर्सन फाइनेंशियली कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, ना ही कुछ और हो पा रहा है। आई थिंक जब आप दोनों थे तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहा करते थे अपने लाइफ, लव लाइफ, कैरियर को लेकर। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड या पॉजिटिव एनर्जी में रहा करते थे, जॉब से खुशियाँ मिला करता था, जॉब से प्यार, केयर, सपोर्ट मिला करता था, वो चीज़, ठीक है, वो ना एक मैजिक का काम करता था, एक जादू का काम करता था इस पर्सन के लिए। और ये पर्सन रियल में अपनी लाइफ में आई थिंक काफ़ी कुछ अचीव किया है इस पर्सन ने। ओके, या हो सकता है कि पहले इस पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती थी, फिर आप दोनों की मुलाकात हुई, आप दोनों की मीटिंग हुई, और जब आप दोनों आए तो आई थिंक सब कुछ बेहतर होने लगे इस पर्सन की लाइफ में। ये पर्सन फाइनेंशियली ग्रो करने लगे, ठीक है, तो ऐसा ये पर्सन आपको मानते हैं कि आप इनके लिए ना लकी रहे हो। और जब से आप दोनों के बीच दुनिया आई है, ये पर्सन ज़्यादा कुछ अच्छा अपने लाइफ में नहीं कर पा रहे हैं। वो एक्साइटमेंट नहीं है लाइफ में, वो पॉजिटिविटी नहीं है लाइफ में, वो हैप्पीनेस नहीं है जो करना चाहिए, ठीक है, वो एनर्जी ही नहीं है जो होनी चाहिए, वो जुनून ही नहीं है लाइफ, लव लाइफ, अपने कैरियर को लेकर। ओके,
जब ये पर्सन आपके साथ होते थे, वो जुनून रहता था इस पर्सन में, वो एक फायर इनर्जी, ठीक है। और अब ये काफ़ी, इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ स्लोली स्लोली इतना धीरे क्यों आगे बढ़ रही है, जल्दी ख़त्म हो ना लाइफ, मैं अकेला हूँ, तन्हा हूँ, उसके बिना हूँ, तो इतना धीरे क्यों चल रहा है लाइफ, जब हम साथ में थे तो वक्त कैसे बीता पता ही नहीं चला, तो अब लाइफ इतनी धीरे क्यों चल रही है, यूनिवर्स से इस पर्सन को शिकायत है, ये मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। अगले कुछ घंटों में ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपके पर्सन ना आपके पास आने के लिए सोचेंगे, अगर ये पर्सन ने खुद दूरियां क्रिएट की थी, दूरियां बनाई थी, तो ये पर्सन आने के लिए सोचेंगे, बाकी मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ सोचेंगे, और बहुत सारे लोगों के लिए आपको वक्त, यानी कि इस पर्सन को वक्त लगेगा गाइस, आपको और वेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रियल में ये पर्सन स्लो हैं, या तो आपके पास आएंगे तो कुछ ऑफर लेकर ही आएंगे, इस माइंडसेट में है आपके पर्सन, अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हुए हैं तो वो पहले से आते हैं, ठीक है, उसके बाद ज़रूर आपके पास ही लौटेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे, अगर ऐसा कुछ है ना, फाइनेंस की वजह से, करियर की वजह से, या स्टडी की वजह से आप दोनों नो कॉन्टैक्ट जोन में चले गए, तो ये होने ही वाला है, ठीक है, ये कहीं नहीं जा रहे हैं, आपकी ओर ही लौटेंगे, आपके पास ही लौटेंगे, और आपको मना लेंगे, यू डोंट वरी, ओके, इनके प्यार से आप मान जाओगे, आपको शिकायत होगी कि आपने रात रात भर इस पर्सन के लिए कितना रोया है, आपने अपनी रात की नींद इस पर्सन के लिए उड़ाई है, और ये पर्सन आ रहे ना तो आपको सेटिस्फाई ज़रूर करेंगे, अगर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी कुछ हो सकता है, आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, फैमिली ड्रामा हो सकता है, या फैमिली को मानने में, यानी कि फैमिली अलाउ नहीं करेगी, परमिशन नहीं देगी, अगर ऐसा कुछ थॉट्स आपके माइंड में आया है ना, तो आपके पर्सन डिटर्मिनेशन के साथ, एक पावरफुल एनर्जी के साथ आ रहे हैं कि मुझे कभी गिव अप नहीं करना है, इनको ऑलरेडी पता होगा कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा, और डायरेक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऑफर करने के ही लिए आ रहे हैं, ठीक है, कि डायरेक्ट आपके फादर से भी बात कर सकते हैं, या आपके फैमिली से मीटिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है, या आपके ब्रदर से ऐसा कुछ होगा गाइस, ठीक है, ज़रूर ऐसा कुछ होगा, स्पेशली अगर ये पर्सन एक मेल है तो, आपको पता है ये पर्सन कैसे हैं, अगर ये आपके लिए लॉयल ऑनेस्ट हैं तो ये होगा, ठीक है, आपको रोने की तड़पने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी प्लीज़, अपना ख्याल रखो, ठीक है। तो अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार फील करेंगे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत इस पर्सन के दिल में होगी आपके लिए, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ, आप पर नज़र होगी इस पर्सन की कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है इस टाइप का, और इस पर्सन की दिली तमन्ना होगी कि आपसे मुलाकात किया जाए, आपसे बात किया जाए, या ये कितना प्यार करते हैं आपसे, ये ज़रूर आपको बताया जाए, क्योंकि इनको पता है कि आप इस पर्सन के बिना खुश नहीं हो, हैप्पी नहीं हो, आपने भी मूव ऑन नहीं किया है जैसे ये पर्सन ने नहीं किया है, तो ये पर्सन ज़रूर आपसे बातचीत करना चाहेंगे, कुछ लोग ले मुझे ना 2 दिनों के अंदर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये मिलने की बात कर सकते हैं, या आप दोनों की मीटिंग हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है 2 दिनों के अंदर, मैं देख पा रही हूँ 2-3 या कुछ हफ्तों के अंदर हो सकता है, काफ़ी सारे लोगों के लिए, और कुछ लोग लिए आपके पर्सन ऐसा सोचेंगे कि क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे मिलना चाहिए, अगर फैमिली प्रॉब्लम है कुछ तो आपके पर्सन ये सोच सकते हैं कि अगर फैमिली में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई तो, कुछ ड्रामा हो गई तो इस चीज़ का थोड़ा सा टेंशन होगी, ठीक है, कि इनके वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए आपके लाइफ में, ये कुछ मैटर ना हो जाए यहाँ पर, कुछ प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाए, अगर ये पर्सन आपसे मिलते हैं तो, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो, ठीक है, ये पर्सन का थॉट्स होगा। तो ये है गाइस, आपकी रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, और अगर आप प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, 7 से 12 के बीच सुबह के टाइम, चार्जेस पहले से काफ़ी कम होती है, तो अगर आप चाहते हो, आप क्लैरिटी चाहते हो अपने सिचुएशन को लेकर, लव लाइफ को लेकर, आप जानना चाहते हो
कि इस पर्सन के रियल फीलिंग्स क्या है और क्या होगा आपके लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, इंटेंशन जानना चाहते हो इनका, तो आप कर सकते हो। अगर आप कन्फ्यूज़ हो तो काफ़ी दिनों से आप टेंशन में हो, एनजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, तो आप ले सकते हो। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, टेक केयर।